तो आज के इस वीडियो में हम देखेंगे एटीएम मशीन का जो भी यूज केस डायग्राम होता है वो कैसा होता है। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे। तो यूज केस डायग्राम बहुत सिंपल होता है, इसमें समझने वाला कोई भी चीज़ नहीं होता है। इसमें बस इतना सा होता है कि जो भी हमारा एक ब्लॉक है, एक ब्लॉक से जब हम दूसरे ब्लॉक में जा रहे हैं तो उसमें हमें क्या क्या मेथड्स देखने को मिलते हैं और फाइनली वो कहाँ पर जाके एंड हो रहा है, सिर्फ खाली हम इतना ही देखते हैं। उसमें कौन से चीज़ के कॉन्ट्रीब्यूशन लगे हुए हैं, हम सिर्फ इतना ही देखते हैं। तो ओके, तो जैसे कि ये एटीएम मशीन का है। ओके, तो ये एटीएम मशीन का यूसेज डायग्राम है। तो यहाँ पर जैसे कि हमारा कस्टमर रहेगा, तो पहली बात इतना इतना पहले चीज़ ऐसा हाइड कर लेते हैं कि जो भी हमारा कस्टमर रहेगा वो पहले पहले जब एटीएम मशीन में जाएगा तो उसे उसको क्या देखने को मिलेगा। उसको पहले ऐसे ऑप्शंस मिलेंगे कि वो जो भी अपना पिन चेंज करना चाहता है वो कर सकता है, या फिर जो भी अपना मनी है उसको ट्रांसफ़र कर सकता है, या फिर उसमें डिपॉजिट कर सकता है डिपॉजिट फंड, या फिर उसका अपना जो भी उसका बैलेंस रहेगा वो बैलेंस देख सकता है, वो मनी को विड्रॉ कर सकता है, या फिर जो भी अपना फ्रेंड्स या फिर जो भी उसका रिलेशन जो भी होएगा उसको पेमेंट भी कर सकता है। ओके, तो जैसे कि ये कस्टमर जाते ही उसको ये सारे ऐसे देखने को मिल जाते हैं जिसको हम सर्कल से रिप्रेजेंट करते हैं, जो भी उसमें के मेथड्स रहेंगे। ओके, ये मेथड्स को हम सर्कल्स में रिप्रेजेंट करते हैं जो कि एक एक सेट ऑफ ब्लॉक। तो जो भी हमारा रेक्टेंगल है, ये ब्लॉक के अंदर ये सारे प्रोसेस है, जो ये मेथड्स है ये सारे रहेंगे। फिर ये जो एरोस है, ये एरोस क्या कर रहे हैं, इसको जनरलाइज कर रहे हैं। ओके, जो भी हमारा एरोस रहेगा, एरोस से हम इसको जनरलाइज करते हैं, जनरलाइजेशन जो कि एरोस से रिप्रेजेंट करते हैं। फिर उसके बाद जैसे कि पिन चेंज हो गया, अभी सपोज ये हमारा कस्टमर अपने जो भी एटीएम कार्ड रहेगा, एटीएम कार्ड का अगर वो पिन चेंज करना चाह रहा है तो फिर वो अपने मर्जी से नहीं कर सकता, उसको बैंक ऑफिसर का परमिशन होना ज़रूरी है। तो ओके, तो हमारा यहाँ पर बैंक जो भी बैंक ऑफिसर या फिर जो भी मैनेजर रहेगा उसका इन्वॉल्वेशन रहेगा। वो अगर वो एक्सेप्ट करेगा तभी उसका जो भी एटीएम कार्ड का पिन रहेगा वो पिन उसका चेंज होएगा। फिर उसके बाद आ जाता है यहाँ पर जैसे कि पेमेंट पे। तो पेमेंट पे जैसे कि यहाँ पे और एक थर्ड पर्सन है, ये क्या है, इसका क्रेडिट सिस्टम, जो भी मतलब इसका इसका पार्टनर का जो भी वो सिस्टम रहेगा उसके सिस्टम पे ये पेमेंट कर सकता है यहाँ पर। और हम ऐसे भी ड्रॉ कर सकते हैं जैसे कि विड्रॉ मनी। तो विड्रॉ मनी पे ये वापस जैसे कि यहाँ पर आके यही हमारा कस्टमर रहेगा, ये कस्टमर जैसे कि विड्रॉ कर सकता है। ये कस्टमर ए है तो ये भी ए ही रहेगा। तो इस तरह से जैसे कि हम अपने यूज केस डायग्राम को रिप्रेजेंट कर सकते हैं।